आइए जानते हैं हरी इलायची को गमले में कैसे लगाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भरत की दुनिया में। इलायची को ग्रो करने के लिए हेल्दी सीड्स होने चाहिए। जैसे इस वक्त मेरे हाथ में है काले मोटे और भरे भरे से दाने, इस तरह के सीड्स लें। अब इन्हें पानी में डालकर 12 घंटे के लिए छोड़ दें। ये सीड्स दोस्तों अच्छी तरह से भीग चुके हैं, मैंने इन्हें 12 घंटे पहले ही पानी में डाल के रख दिया था। पॉट तैयार करने के लिए मैंने ली हूँ सादी मिट्टी 70%, 20% सैंड और 10% कंपोस्ट। मैंने किचन कंपोस्ट ली हूँ, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों ये हैं सूखे पत्ते, इसे भी मैं पॉट में डालूंगी। सूखे पत्तों से पॉट का वज़न काफ़ी कम हो जाता है और मूव करने में आसानी जाती है। अब पॉट में मिट्टी भर लेते हैं ड्रेनेज होल पर एक टिकरी रखकर। अब इसमें मैं डालूंगी मिट्टी। तो मिट्टी दोस्तों मैं इसमें डालूंगी 25% मिट्टी डालूंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सूखे पत्ते जो कि 50% रहेंगे, 50% के आसपास सूखे पत्ते हो जाएंगे। और फिर मैं इसमें वापस से डालूंगी मिट्टी जो कि 25% होंगे, यानी क्वांटिटी में दोनों आधा आधा होंगे, आधा मिट्टी और आधा सूखे पत्ते। इससे गमला बहुत हल्का हो जाता है और यहाँ वहाँ मूव करने में बड़ी आसानी जाती है। दोस्तों आप भी इस्तेमाल कीजिए, कुछ वक्त के बाद में ये मिट्टी जैसे बन जाते हैं और बहुत अच्छी खाद का काम भी करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अब सीड्स को स्प्रिंकल कर देंगे। दोस्तों आप चाहे तो एक एक सीड भी लगा सकते हैं, लाइन बनाकर एक एक सीड भी लगा सकते हैं और स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, मैंने स्प्रिंकल किया है। अब इस पर मिट्टी की एक लेयर चढ़ा देंगे ताकि सीड्स इधर उधर ना हो और बचा हुआ पानी उस पर डाल देंगे। अब अच्छी तरह से पानी डालकर पॉट को शेडी एरिया में रखेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि गमले में मिट्टी सूखी नहीं, नमी बराबर बनी रहे लेकिन पानी खड़ा भी ना रहे। 20 से 25 दिन में पौधे निकल आएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं, बाय बाय।